10 साल हो गए हमारी प्रोजेक्ट को और आज तक हम लोग काम कर रहे हैं। तो फाइनली ये वीडियो भी हमने जो किया है वो एकदम मतलब बिल्कुल डिफरेंट ने तो जान डाल दी उसकी, क्योंकि डायरेक्टर कमाल का होगा तो निकल के तो कमाल का है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इंस्पिरेशन तो मुझे गाना सुनने के बाद ही मिला था, क्योंकि मैं वैसे भी बहुत सारे वीडियोस बनाता रहता हूँ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि जब मैं सारा को मिला तो सारा ने बोला कुछ ऐसा वीडियो बनाना है जिसे पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया देखे। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, ऐसा क्या करना चाहिए। तो जब इन्होंने गाना सुना तो उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा हमें जिससे पूरी दुनिया इसके बारे में बात करना शुरू करे। एंड आई एम वेरी श्योर कि वीडियो देखने के बाद और ऑडियो सुनने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि बहुत ही अच्छी तरह से इसको ट्रीट किया गया है, जबकि काफ़ी बोल्डनेस है वीडियो के अंदर, लेकिन कहीं पर भी आपको कोई गंदगी नहीं दिखाई देगी। इट्स अ वेरी क्लीन नाइस बोल्ड वीडियो। फर्स्ट टाइम म्यूजिक डायरेक्टर तो नहीं हूँ मैं, म्यूजिक डायरेक्टर हूँ मैं, वीडियो डायरेक्टर हूँ। म्यूजिक डायरेक्टर जो है वो अल्ताफ और मैं ही है। एक्सपीरियंस मेरा थोड़ा इसके अंदर अलग था, बिकॉज मैंने पहली बार इस तरह का वीडियो डायरेक्ट किया है। इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाए लेकिन बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड वीडियोज़ हैं। इसको मैं ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड नहीं कहूँगा क्योंकि सेंसर ने इसको अप्रूवल बहुत लेवल तक दिया नहीं है, काफ़ी इसमें हॉट बोल्ड शॉर्ट्स हैं। लेकिन एक्सपीरियंस ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा था। अंगद एंड सारा हैव बीन फैंटास्टिक, इनकी केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी है। और जब मैंने सारा को पूछा था कि इस वीडियो के लिए हमें किसको लेना चाहिए, तो सबसे पहले उन्होंने अंगद का नाम लिया और शी सेड दैट ही इज सच अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड कि ये इस तरह का वीडियो मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल अंगद के साथ करने में रहूँगी। और अंगद ने जब गाना सुना और ये सुना कि सारा कर रही है, तो उसने आगे कुछ पूछा ही नहीं, उसने बोला कि ठीक है। एक्चुअली हम लोगों का काम है गाना बनाना, ठीक है। हम लोग बहुत सारे गाने बनाते हैं, तो जैसे मैं और अल्ताफ साथ में काम करते हैं, ठीक है। तो हमारा ग्राउंड रोमांटिक है, तो हम लोग ज़्यादा रोमांटिक पे काफ़ी अच्छा अप्रोच देते हैं। और अगर रोमांटिक फील डालना है, ये डालना है, तो उसमें मैं और अल्ताफ नहीं हूँ, इसलिए हम लोगों ने सोचा नहीं हो पाया। But he came up with this song and उन्होंने मुझे गाना सुनाया। I really loved the song, तो मैंने कहा song let's do some धमाल with him, and he was like hey, we are best with each other when it comes to facing this grief together. तो yes. Thank you sir. क्या कुछ कहना चाहूँगी? आप बताएं आप क्या जानना चाहेंगे? सब आपने देख ही लिया जो बताने का था। गाना बहुत अमेजिंग बनाया है अल्ताफ जी ने, और जब मैंने पहली बार सुना था तो मुझे लगा था ये फिल्म का गाना है क्या। सो इज़ लाइक नहीं, ये हमने एक सोलो गाना बनाया है एंड वी आर डूइंग दिस, एंड बहुत अच्छा लगा सुन के। एंड देन असलम के साथ मैं बहुत टाइम से पहले से काम करना चाह रही थी, एंड व्हेन ही केम अप विद दिस आई जस्ट इमीडिएटली सेड अ यस। When I came to Angad, Angad is my best friend, so I suggested him. He really liked the suggestion and he moved on with it. So yeah. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, क्योंकि बहुत डिफरेंट म्यूज़िक वीडियो है। और ऑफ कोर्स असलम जो है वो बहुत ही अच्छे कमाल के डायरेक्टर हैं, तो जब उन्होंने मुझे सॉन्ग सुनाया तो मुझे सॉन्ग बहुत पसंद आया। और कंसेप्ट जो था वो हम लोगों के लिए बहुत डिफरेंट था, क्योंकि टेलीविजन में हम लोग बहुत एक ही टाइप की चीज़ करते हैं, तो वो एक एज ए एक्टर बहुत डिफरेंट चीज़ है कुछ करने के लिए, अपने आप को एक डिफरेंट प्रेजेंट करने के लिए। तो मेरे लिए बहुत अच्छा था और मेरा बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। क्योंकि मुझे गाना बहुत ही अच्छा लगा और ऊपर से सारा थी और असलम, हम लोग एक बहुत अच्छा टीम वर्क था, तो मुझे लगा था कि ये निकल के बहुत ही अच्छा आएगा। क्योंकि अगर आपकी टीम वर्क बहुत अमेजिंग हो, पूरा बॉन्डिंग अच्छी हो, तो डेफिनेटली गाना बहुत अच्छा निकल के आता है। बहुत ही गंभीर माहौल था शूटिंग के वक्त, क्योंकि हम लोग इस वीडियो को बहुत ही तरीके से शूट करना चाहते थे, क्योंकि जब इस तरह का वीडियो बनता है
तो सबसे ज़्यादा डर यही लगता है हमें कि किसी भी तरह से ये चीज़ चीप ना लगे, गंदी ना लगे, क्योंकि एक सेकंड लगता है कोई भी ऐसा शॉट देखने में जिससे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है वो बेहतरीन नहीं है लेकिन थोड़ी चीप लग रही है। लेकिन जब आप कोई एक नॉर्मल डांस वीडियो बनाते हैं या कुछ करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है कि ये इस तरह का ही वीडियो होगा। यहाँ पर क्योंकि बॉडी शो होता है, एक्सप्रेशंस की वैल्यू होती है, सही एक्सप्रेशंस आना बहुत ज़रूरी होते हैं, एडिटिंग, प्रोडक्शन वैल्यूज, एवरीथिंग हैज़ टू बी वेरी परफेक्ट इन दिस काइंड ऑफ अ सॉन्ग। तो सबसे अच्छी बात यह थी कि अंगद की और सारा की केमिस्ट्री जो इतने सालों से इनकी बॉन्डिंग है वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि कोई भी चीज़ करने से पहले सोचना नहीं पड़ा। जबकि हम लोगों ने कोई ऐसी चीज़ नहीं करी है इस वीडियो के अंदर, आपने देखा होगा, जिससे लोग ये कहें कि अरे ये क्या कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, काफ़ी अच्छा सेंशुअल हॉट बोल्ड वीडियो है। तो इवेंचुअली बस डर इसी बात का था कि लोगों को कोई चीज़ ऐसी ना लगे कि वो गलत हो। तो अभी ये वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी इस वीडियो को देखेगा, भले ही वो फैमिली के साथ क्यों ना देखे, इसकी तारीफ ज़रूर करेगा। इसके अंदर कोई बुराई करने जैसी कोई चीज़ नहीं है। ये शूट एक दिन में कंप्लीट हुआ है पूरा का पूरा। और हाँ, मतलब ये अच्छा एक्सप्रेशन था आपका, मुझे खुशी हुई, कमाल वाला जो लुक था। तो बेसिकली हमें इसको एक दिन में ही शूट करना था, और क्योंकि सारा वॉज वेरी कोऑपरेटिव एंड अंगद वॉज वेरी कोऑपरेटिव, बोथ ऑफ देम वर ऑन टाइम ऑन सेट एंड वी हैड दैट बॉन्डिंग, जिसके वजह से क्या है कि एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और एक्टर वाला माहौल नहीं था। ये उनको भी पता था कि म्यूज़िक वीडियो है, हमें एक दिन में उड़ाना है, डेट नहीं थी, शी वॉज वेरी बिजी, ही वॉज बिजी, तो हमको किसी भी तरह इसको एक दिन में निपटाना था। लेकिन अगर आप वीडियो देखेंगे तो ऐसा लगता नहीं है कि ये एक दिन का वीडियो है, ये लगता है कि कम से कम दो या तीन दिन लगे होंगे, क्योंकि इसका जो लुक है वो फिल्म का लुक है। या वीडियो अगर आप देखेंगे फिर से दोबारा देखेंगे तो एक फिल्म की फील आएगी, गाने की भी वही फील है और वीडियो की भी वही फील है। ऑनेस्टली वर्क इज़ फन फॉर मी, और मैं वही चीज़ करती हूँ जिसमें मुझे मज़ा आए करने में, अदरवाइज़ मैं स्ट्रेस नहीं लेती अपने सर पे कभी भी। सो ये काम करते वक्त ऐसा लग रहा था वी वर पार्टी, वी वर हैविंग फन, हम मस्ती कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। कैसे शूट हो रहा था ये, असलम ने इतने ईजीली इसको निकाल दिया कि हमें टाइम का पता ही नहीं चला, और एंड शॉट में तो हमने कहा ख़त्म हो गया, रियली। सो इट वॉज़ रियली ऑसम। सॉन्ग किसी अच्छे लेबल से अगर आता है तो उसका उसकी रीच ज़्यादा होती है, तो डेफिनेटली लेबल बहुत मायने रखता है, क्योंकि हर इसी के यूट्यूब के सबके जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स रहेंगे तो उतनी ज़्यादा रीच होगी, उतना ज़्यादा होगा। तो ये सॉन्ग ऑलरेडी एक रोमांटिक मूड वाला सॉन्ग है, बहुत एकदम दिल से बनाया हुआ सॉन्ग है। इसको लिरिसिस्ट आनंद जी है इसको जिन्होंने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। तो हम वही चाहते थे कि ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचे, और असलम भाई के साथ मैंने बहुत सारे और किया है, बहुत सुपर एक से एक वीडियोस हुए हैं हमारे, और बहुत अच्छा रिस्पांस हुआ है हर वीडियोस का। तो हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होती है, मतलब म्यूज़िक एंड वीडियो की। तो हम यही सोच रहे थे कि कुछ किसी अच्छे लेवल से ही आए, तो हम तो जी म्यूज़िक से हमने इसको रिलीज़ किया। दो पंक्तियाँ तो गाने वाले, अच्छा गाया मैंने, म्यूज़िक म्यूज़िक हम म्यूज़िक हम दोनों गाए। कैसी कशिश ना जाने है तेरी आंखों में, दिल की तलब है रह लूं मैं इन पनाहों में, है सिर्फ ख्वाहिश तेरी, तेरी तमन्ना है, तू ही मेरे दिन में है और तू ही रातों में, आवाहों में आ तुझको महसूस करने दे, तेरे जिस्म के हर एक पन्ने पे, मेरी रूह से सनम लिखने दे, तेरे सीने की हर एक धड़कन को, मेरी सांसों से सनम चलने दे। क्या बात,